Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99. My dear subscribers, my followers and my friends, a very great day to all of you and to your family. I hope that you are very much safe and living a healthy life in this situation and crisis. This video is for daily market outlook and important stocks for 8 July 2020. जो लोग हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इक्विटी 99 का, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें इक्विटी 99 का। वहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ दिए जाते हैं, ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, लाइव मार्केट अपडेट्स बहुत ही शानदार मिलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री प्लेटफॉर्म है इक्विटी 99 का, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल दिया हुआ है। बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, देखिए डेली मार्केट आउटलुक एंड इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स फॉर 8 जुलाई 2020। सबसे पहले पास्ट रिव्यू ले लेते हैं। देखिए 6 जुलाई को हम लोग ने कल्तरू पावर 234 पे दिया था, जिसमें कि 277.45 का हाई बनाया मात्र दो दिनों में। त्रिवेणी टर्बाइन 73.50 में रिकमेंड किया था, 88.20% का 20 का हाई बना है, 18% रिटर्न मिला है मात्र दो दिनों के अंदर। नेल्को हमने 208.4 पर रेकमेंड किया था, जो कि 227 का हाई बना के आया है, 8.92% तकरीबन 9% का रिटर्न मिला है यहाँ पे मात्र दो दिनों में। बात करते हैं नाटको फार्मा की, तो 663.10 पे हम लोगों ने रेकमेंड किया था, ये 699.75 के हाई बना के आया, 700 रुपये तक पहुँच ही गया है, मान लीजिए 25 पैसे दूर है बस। इसने 5.52% का रिटर्न दिया है मात्र दो दिनों के अंदर। भारतीय एयरटेल जो हमने 580 से लेके 565 तक आपको बाइंग रेंज बताई है, वो उसी रेंज में है अभी, वो अभी रन करना उसका बाकी है। इसमें लिखा है 7 जून, जबकि वह है 7 जुलाई। तो देखिए 7 जुलाई की रिकमेंडेशंस जो हैं वो DBL हम लोग ने दिल्ली बिल्डकॉन रिकमेंड किया था 293 पे, जो कि 304.3 का हाई बना के आया है। KSB पम्प्स जो हमने रिकमेंड किया था 492 पे, वो 509 का हाई बना के आया है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स आपको मिले हैं और आपको आने वाले समय में ये स्टॉक्स और अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। बात करते हैं हम निफ्टी लेवल्स के बारे में, जो कि है 8 जुलाई 2020 के लिए। लास्ट क्लोजिंग जो मिली वो 10,800 के बिल्कुल नज़दीक मिली है। 10,830 और 10,870 जो है स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट्स हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। और निफ्टी अगर 10,870 के ऊपर बंद होती है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा जो प्रॉफिट है वो आपको बुक करके चलना होगा हायर एंड पे। और जो डाउन साइड में सपोर्ट पॉइंट है वो है 10,740 का, इसको तोड़ने के बाद में 10,665 और 10,625 के लेवल्स आपको आते हुए देखेंगे निफ्टी के अंदर। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों बैंक निफ्टी में देखिए लास्ट क्लोजिंग है 22,628 की, 22,340 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट है। अगर ये तोड़ता है तो 22,040 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अपर साइड में बात करें तो 23,000 के लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह है, रेजिस्टेंस की तरह है। इसमें जो है बैंक निफ्टी आप समझ लीजिए 25,000 बस जब पहुंचने ही वाली है, और आप देखेंगे ये बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी 25,000 निफ्टी बैंक निफ्टी। बात करते हैं हम स्टॉक्स के बारे में जिनको आपको फोकस रखना है। सबसे पहले MAS फाइनेंशियल, इसकी लास्ट क्लोजिंग जो है 690.50 रुपये पे मिली है। इसको आप किसी भी डिक्लाइन पे यहाँ से खरीद सकते हैं। चार्ट के जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, आप देख सकते हैं बाजू में इसका चार्ट है मास फाइनेंशियल का। स्टॉप लॉस रखना होगा 654 का, अपर साइड में हमें लगता है 715 से लेकर 750 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे मास फाइनेंशियल में। बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, तो देखिए हमने दूसरा बैंकिंग से लिया है कर्नाटका बैंक, चार्ट आप देख सकते हैं, और इसकी लास्ट क्लोजिंग 44.35 पे थी। ये चार्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, 45 से लेके 47 फिर 50, ये इसके लेवल जाते हुए देखेंगे आपको 3 से 5 दिनों के अंदर। नीचे के साइड में 42.5 का एक आपको सपोर्ट या फिर ऐसे लेके चलना होगा। बात करते हैं तीसरे और आखिरी स्टॉक की, मैगमानी ऑर्गेनिक्स। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है चार्ट्स में आप देख सकते हैं, और लास्ट क्लोजिंग मिली है 55 रुपये पे, 52.25 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 55 रुपये से लेके 54 रुपये के बीच में खरीदने का या पोजीशन बनाने का है। अपर साइड में 59 से लेके 62 के लेवल्स आपको आते हुए देखेंगे अगले 5 से 7 दिनों के अंदर।
दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, रिस्की है, यहाँ पे आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा, बहुत कॉशियसली अपने ट्रेड देखने पड़ेंगे, तो क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है वॉलेटिलिटी, तो आपको ये सारी बातें अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी, वरना आपको काफ़ी भारी नुकसान भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, दिस वॉज फ्रॉम टीम इक्विटी 99।